हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइस टू यूट्यूब चैनल होप स्टडी। आज की जो हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज, ये हमारा जनरल नॉलेज रिलेटेड पार्ट टू वीडियो होगा। और पार्ट वन वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन पे अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के राइट साइड पर जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस बेल आइकन को प्रेस करने की वजह से आप लोग हमारे चैनल से जुड़े न्यू लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको घर बैठे मिलते रहेगी। दोस्तों, हमारे चैनल के जो न्यू यूजर है उस लोगों को मैं खास तरह से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल के जो पुराने जीके जीएस साइंस वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज की जो जनरल नॉलेज रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सी क्या है और कहाँ पर है। ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट सी है बाल्टिक सी, ये यूरोप में है। और जैसे कि जो नॉर्डिक कंट्रीज है रशिया से घिरा हुआ है, नॉर्डिक कंट्रीज बोले तो एक्चुअली जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है और स्वीडन और लिथुनिया और बहुत सारी कंट्रीज है। ठीक है, सभी कंट्री से घिरा हुआ है। देखते हैं नंबर टू क्या है। नंबर टू है वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज इन। सो वर्ल्ड का जो फेमस ब्रिज गोल्डन गेट है वो कहाँ पर है। देखते हैं, गोल्डन गेट एक सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, और ये जो ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को एक यूएस का एक बहुत ही फेमस सिटी है और ये कैलिफोर्निया स्टेट में है। देखते हैं नंबर थ्री क्या है। नंबर थ्री यहाँ पर है, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स। लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड किस कंट्री को कहा जाता है। लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड का मतलब यही है कि जहाँ पे बहुत सारी द्वीप है, बहुत सारे आइलैंड्स है। ठीक है, ये इंडोनेशिया को कहा जाता है। इंडोनेशिया एक्चुअली बहुत सारी लैंडों से बना हुआ है, एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड है बहुत सारी। एक्चुअली कंटिन्यूस लैंड नहीं है, जैसे कि इंडिया और चाइना और बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर कंटिन्यूस लैंड है और डिवीज़न नहीं है। यहाँ पर एक क्या है कि बहुत सारी छोटा छोटा द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड भी कहा जाता है। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कितने आइलैंड है अगर काउंट किया जाए तो। इंडोनेशिया में करीब 18,307 आइलैंड्स है। ठीक है, और इंडोनेशिया एक्चुअली यहाँ पर एक खास तरह से जानकारी देना चाहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो जो ग्लेशियर पिघल रहा है और सी वाटर लेवल जो जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, उस वजह से क्या है, अगर वाटर सी लेवल अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 3 मीटर अगर ऊपर चला जाता है ना, तो ये जो कंट्रीज़ है जो रिस्किया जोन में है, सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में है, इंडोनेशिया भी टॉप में है। ठीक है, सो बहुत सारी जो आइलैंड है ये डूबने का चांस है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है नंबर फाइव, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। गोल्डन फाइबर का मतलब है एक्चुअली धागा। एक्चुअली गोल्डन फाइबर, लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, देखते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है ना, बांग्लादेश। बांग्लादेश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जूट इंडस्ट्री है, यहाँ पर यहाँ की GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा और यहाँ की जो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा फाइबर इंडस्ट्री है, मतलब जूट इंडस्ट्री है। ठीक है, इसीलिए इसे लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है नंबर सिक्स, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। लैंड ऑफ मिल्क और हनी क्या किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी का मतलब यही है कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क और हनी मिलता है, इस कंट्री है इसराइल। ठीक है, इसराइल है। नेक्स्ट है नंबर सेवन। नंबर सेवन है, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। सो लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसे कहा जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेक्स है, बहुत सारे लेक्स है इस कंट्री में। देखते हैं, फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है, यूरोप में है। फिनलैंड इसे कहा जाता है लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। देखते हैं नेक्स्ट है नंबर एट, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ केक्स। सो लैंड ऑफ केक्स किसे कहा जाता है, ये स्कॉटलैंड कहा जाता है। ये जो कंट्री है ये ओट मिल केक के लिए बहुत फेमस है, स्कॉटलैंड। लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर नाइन। नंबर नाइन देखते हैं क्या है, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जिस कंट्री से सूरज को दिखाया जाता है सबसे पहले वो है जापान। ठीक है, इसीलिए लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है इसे, सबसे पहले सूरज को जापान से ही देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट है नंबर टेन। नंबर टेन देखते हैं क्या है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिड नाइट सन। सो लैंड ऑफ मिड नाइट सन किसे कहा जाता है, देखते हैं कौन सा कंट्री है। और लैंड ऑफ मिड नाइट सन कहने का मतलब क्या है मैं वो भी बताऊंगा। नॉर्वे को कहा जाता है, करीब मई की मिड मई से महीने मिड मई महीने से करीब जुलाई के महीने तक, करीब 2 महीने करीब, या क्या होता है कि
मिड नाइट में सन देखने को मिलता है यहाँ पर सनरे, इसीलिए इसे कहा जाता है नॉर्वे को, लैंड ऑफ मिड नाइट सन कहा जाता है नॉर्वे। एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, नॉर्डिक कंट्री है। नेक्स्ट है नंबर 11। नंबर 11 देखते हैं क्या है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रिवर्स। लैंड ऑफ रिवर्स किसे कहा जाता है, इसे है बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्योंकि 700 से भी ज़्यादा रिवर्स है बहुत सारी। और बहुत ही एक और भी खास जानकारी देना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड की सबसे जो एरिएबल लैंड है, सो जो एग्रीकल्चरल लैंड, एरिएबल लैंड जो कि बहुत ही फर्टाइल लैंड है, ठीक है, जो फर्टाइल लैंड की लिस्ट में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश सबसे आगे है, सबसे टॉप में है, जहाँ पर बहुत ही मतलब फर्टाइल लैंड मिलता है वहाँ पर फार्मर के लिए बहुत ही काम का है वो। और ये एक्चुअली एग्रीकल्चर बेस्ड भी कंट्री है बांग्लादेश। तो ये इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि लैंड ऑफ रिवर्स बांग्लादेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से 700 से भी ज़्यादा रिवर मौजूद है। और दूसरा क्या है देखते हैं, इसका ऑपोजिट क्वेश्चन है नंबर 12। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ नो रिवर्स। लैंड ऑफ नो रिवर्स मतलब है जहाँ पर कोई रिवर नहीं है। देखते हैं क्या है, कौन सा कंट्री है, और सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया जो कि ज़्यादातर एरिया का डेजर्ट है, सो डेजर्ट में रिवर कहाँ से मिलेगा, सो इसीलिए इसे लैंड ऑफ नो रिवर कहा जाता है सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है नंबर 13। नंबर 13 देखते हैं क्या है, विच कंट्रीज नोन एज लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट का मतलब है वज्र और लाइटनिंग भी कह सकते हो आप। सो कौन से कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है भूटान, ठीक है, भूटान है। नेक्स्ट है नंबर 14। नंबर 14 देखते हैं क्या है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का लैंड कौन सी कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट जो सफ़ेद एलिफेंट मिलता है वो यहाँ पर, वो एक ही कंट्री है थाईलैंड, थाईलैंड पे ही से मिलता है। नेक्स्ट है नंबर 15। हाउ मेनी लेक्स आर प्रेजेंट इन फिनलैंड। फिनलैंड में लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है ना, जो फिनलैंड है, फिनलैंड में कितने लेक्स मौजूद है देखते हैं, मोर देन 180,000, मोर देन 180,000 लेक्स है। नेक्स्ट नंबर 16 देखते हैं क्या है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ टेम्पल्स। लैंड ऑफ टेम्पल्स किस कौन सी कंट्री को कहा जाता है, ये हमारे देश को ही कहा जाता है, इंडिया को। इंडिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू टेम्पल्स है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन, 2 मिलियन से भी ज़्यादा होगा, ठीक है, और 2 मिलियन है भाई, होगा मतलब 2 मिलियन मतलब कितना होगा, ऑलमोस्ट 20 लाख, 20 लाख से भी ज़्यादा टेम्पल्स है, सबसे ज़्यादा तो यूपी में है। और देखते क्या है नंबर 17। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ स्नो। लैंड ऑफ स्नो कौन सी कंट्री को कहा जाता है, जो ज़्यादातर टाइम पे बर्फ़ से ढका हुआ रहता है जो कंट्री, कौन सा कंट्री है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ स्नो। और खास जानकारी यही है कि ग्रीनलैंड एक ऐसा कंट्री है, सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे, अगर आपको कहा है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द विच कंट्री इज विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड। सो लार्जेस्ट आइलैंड में यही है कि ग्रीनलैंड एक कंट्री भी है और एक लार्जेस्ट आइलैंड भी है, और ज़्यादातर वक्त स्नो से घिरा हुआ रहता है, बर्फ होता है, बर्फ रहता है यहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं नंबर 18 क्या है। नंबर 18 है विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ माउंटेन। सो लैंड ऑफ माउंटेन का मतलब यही है, ज़्यादा माउंटेन है जिस कंट्री में। लैंड ऑफ माउंटेन किसे कहा जाता है, नेपाल को, ठीक है। नेपाल में सबसे जो ऊँचा माउंटेन, हाई जो टॉप पीक है वो भी यहाँ पर है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट देखते क्या है नंबर 19। नंबर 19 है विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ रैबिट्स। रैबिट्स कहाँ पर मिलता है, रैबिट्स, लैंड ऑफ रैबिट्स कौन सी कंट्री को कहा जाता है, स्पेन। स्पेन इस कंट्री बुल फाइट के लिए भी जाना जाता है, स्पेन, इसका कैपिटल माद्रिद है। नेक्स्ट है 20। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स कहाँ पर मिलता है, लैंड ऑफ पर्ल्स, और द फिलीपाइंस। फिलीपाइंस जो आइलैंड है, ये फिलीपाइंस एक कंट्री भी है, फिलीपाइन को लैंड ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 21। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ पाम। पाम एक ट्री है, ठीक है, एक तरह इस टाइप का पेड़ है, यहाँ से पाम, तो लैंड ऑफ पाम कौन सी कंट्री को कहा जाता है, जो ज़्यादातर पाम जो वृक्ष है वो यहाँ पर मिलता है, इसलिए लैंड ऑफ पाम्स कहा जाता है। ये है ब्राज़ील, जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ब्राज़ील साउथ अमेरिकन कंट्री है, और यहाँ पर लैंड ऑफ पाम भी कहा जाता है। पाम एक्चुअली ये पाम जो ट्री है, या इस पाम ट्री की जो फल से पाम ऑयल बनाया जाता है, इसलिए ये बहुत ही काम का चीज़ है, काम का पेड़ है। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नंबर 22। व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ अर्थक्वेक्स। सो लैंड ऑफ अर्थक्वेक्स किसे कहा जाता है, ये इंडोनेशिया को ही कहा जाता है, इंडोनेशिया जो
बहुत सारी आइलैंड से बना हुआ है, लैंड ऑफ अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट नंबर 23, व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ हैप्पीनेस। लैंड ऑफ हैप्पीनेस कौन सी कंट्री को कहा जाता है? ये भूटान को कहा जाता है, भूटान, ठीक है, जो इंडिया की नॉर्थ साइड में है, भूटान। नेक्स्ट है नंबर 24, व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ फ्री पीपल। सो लैंड ऑफ फ्री पीपल कौन सी कंट्री को कहा जाता है? फ्री पीपल, थाईलैंड, ठीक है, जो थाई का मतलब है फ्री, थाई का मतलब फ्री है, ठीक है, थाईलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ फ्री पीपल। नेक्स्ट है नंबर 25, व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी। होप एंड ग्लोरी, लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी कौन सी कंट्री को कहा जाता है? इंग्लैंड, इंग्लैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 26, व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ ब्लू स्काई। लैंड ऑफ ब्लू स्काई कौन सी कंट्री को कहा जाता है? देखते हैं, मंगोलिया, जो कि मंगोलिया को कहा जाता है लैंड ऑफ ब्लू स्काई, ठीक है। और जेंगिस का जो बहुत बड़ा समय किंग था कि जेंगिस का, आप लोगों ने सुना होगा, ये मंगोलिया से ही आए थे, मंगोल थे ये लोग। नेक्स्ट है नंबर 27, व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ लिलीज। लिलीज एक टाइप का फ्लावर है, ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर है। लैंड ऑफ लिलीज कौन सी कंट्री को कहा जाता है? कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 28, कनाडा जो कि यूएसए की नॉर्थ साइड में है और एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। नेक्स्ट है 28, व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ स्माइल्स। लैंड ऑफ स्माइल्स कौन सी कंट्री को कहा जाता है? थाईलैंड, थाईलैंड जो कि व्हाइट एलिफेंट का भी एक देश है। नेक्स्ट है नंबर 29, सो नंबर 29 व्हिच कंट्री, देखते हैं नंबर 29 क्या है। व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। तो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कौन सी कंट्री को कहा जाता है? देखते हैं, भूटान, भूटान को कहा जाता है, ये थंडर बोल्ट, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहा जाता है और लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी। नेक्स्ट नंबर 30, ये हमारा लास्ट सवाल है, देखते हैं क्या है। व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इमिग्रेंट्स। सो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कौन सी कंट्री को कहा जाता है? फॉर इमिग्रेंट ये जर्मनी कहा जाता है, नहीं सॉरी, ये लास्ट कंट्री, लास्ट कोई सवाल नहीं है, और भी एक है नंबर 31, व्हिच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कौन सी कंट्री कहा जाता है? द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूएस। और यही है हमारा वीडियो और यही था लास्ट सवाल। और दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।